हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ये एक रिव्यू वीडियो है जो कि मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। ये सुजाता मिक्सर ग्राइंडर जूसर है जिसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी, साथ ही साथ इसका जूसर किस तरीके से काम करता है वो दिखाऊंगी। अभी करंट टाइम पे इसका जो प्राइस है वो 7000 के अराउंड है। मे बी फेस्टिव सीज़न आने वाला है तो उस टाइम पर आपको थोड़े और डिस्काउंट मिल जाएँ, बट मैं आपको इसमें किस तरीके से इसका जूसर काम करता है जिसके बारे में मैंने बहुत तारीफ़ सुन के रखी थी कि बहुत ही अमेजिंग होता है, तो आज मैं वो आपको दिखाऊंगी और ये सारी सब्ज़ियाँ इसी में इसका जूस बना के दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से काम करता है। मार्केट में जो हमें जूस वाली शॉप पे चीज़ें मिलती हैं उतना ही अच्छा जूस होता है, उससे बेटर होता है नहीं होता है, किस तरीके से काम होता है, ऑपरेट करना आसान है नहीं है, वो सारी चीज़ें। ये देखिए, ये इसका नीचे का मोटर है, इस पे आपको जूसर इस तरीके से फिट करना है। मैं मिक्सर और ग्राइंडर का नहीं दिखा रही क्योंकि नॉर्मली हम सभी के घर पे होता है तो उसका दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि वो भी आप देखना चाहते हो सुजाता का तो अपने फर्दर वीडियोस में मैं बना सकती हूँ, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको फिट कर देना है, ये मैं सिर्फ जूसर का दिखा रही हूँ। इसके साथ इस तरीके का एक बॉक्स मिलेगा और साथ ही साथ ये आप देख सकते हो, इसको मैं यहाँ पर फिट करी हूँ जहाँ से जूस निकलेगा। इसका जो ऊपर का ढक्कन है इस तरीके से लगाने के बाद ये जो साइड के इस तरीके से आपको बेल्ट्स दिख रहे हैं इसको फिक्स कर देना है। नीचे का ये जो पोर्शन दिख रहा है इसमें डालिए और ऐसे फिट कर दीजिए। दूसरे साइड भी सेम वे में आपको करना है तो एकदम अच्छे से फिट हो जाएगा, खुलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो वेजिटेबल्स लेके रखी है ना दोस्तों, उसमें सॉफ्ट वेजिटेबल्स भी हैं, कुछ हार्ड भी हैं। जैसे सॉफ्ट में मैंने लौकी वगैरह ली है, हार्ड में बीट रूट है, अदरक है, आंवला है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो मैं आपको आज सिंपली वेजिटेबल जूस बना के दिखा रही हूँ, अगर वो अच्छे से बन जाएगा तो फ्रूट जूस तो आराम से बन ही जाएगा, फ्रूट क्योंकि सॉफ्ट होते हैं। मैं आपको वेट करके दिखा दे रही हूँ। ये 218 ग्राम की लौकी है, 218 ग्राम लौकी में कितना जूस निकलेगा मैं आपको दिखाऊंगी, कितना वेस्टेज निकलेगा, कितना जूस निकलेगा इसी वीडियो में मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो लौकी को मैंने कट कर लिया, पूरी एक साथ नहीं जा रही थी, कट करके डाले। आप बड़े बड़े चंक्स में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने इस तरीके से डाल के देखा ना, बहुत ही ईजिली जूस निकल रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो मार्केट में और भी जूसर आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा तामझाम होता है, ये बहुत ही सिंपली काम करता है अगर आपने एक बार अच्छे से इस तरीके से सेटअप कर लिया। ये देखिए, मतलब एक सेकेंड भी नहीं लग रहा है जूस निकलने में। मैं अभी आपको वेट करके भी दिखाऊंगी कि 218 ग्राम की लौकी में एक्चुअली कितना जूस निकलता है। तो ये जूस पूरा निकल चुका है 218 ग्राम की लौकी में, मैं आपको इसको वेट करके दिखा रही हूँ। अभी लौकी का एक टुकड़ा बचा हुआ है, मैं उसको और जूस निकाल के इस ग्लास में डालूंगी। तो ये था करीबन 140 ग्राम के जितना, तो 140 ग्राम निकला 218 ग्राम की लौकी में और जो बाकी का है वो वेस्टेज था। करीबन आप 60 ग्राम के जितना मान सकते हो, मतलब 58 ग्राम के जितना वेस्टेज था, बाकी सारा का सारा जूस निकला था, तो काफ़ी अच्छा रेशियो है। इसी तरीके से हम कैरेट का भी निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने आंवला कट करके डाला है, आंवले का बीज ना डालें, मतलब बीज वाली चीज़ें ना डालें आप, उसका बीज का हटा के इस तरीके से आंवला कट करके डाल सकते हैं। टमाटर डाल दिया मैंने, टमाटर तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, नॉर्मल वाले से भी निकल आता है जो मार्केट में और भी नॉर्मल जूसर आते हैं, बट मैं टेस्ट करूँगी बीट रूट के साथ, आंवला के साथ और अदरक के साथ, और साथ ही साथ पुदीने और धनिए के साथ, क्योंकि वो पत्तियाँ होती हैं, हमें देखना है कि उसमें जूस निकलता है कि नहीं। यहाँ पे मैंने बीट रूट डाल दिया, बहुत ही आराम से, जैसे लौकी का निकला था वैसे ही बीट रूट का भी बड़े आराम से निकल आया। तो मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे अच्छा जूसर है मैंने जितना भी ट्राई किया है। यहाँ पर पालक है, पुदीना है, धनिया है, मैं डंठल के साथ ही डाल रही हूँ। जैसे मार्केट में आपको दिखता है ना जूस वाली शॉप पर वो सब कुछ डाल देते हैं, मैंने अच्छे से धो के रखा था, डंठल के साथ ही डाल रही हूँ, देखते हैं कि इसका जूस निकलता है कि नहीं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा जूसर है, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी तो फाइनली ये मेरे पास आ चुका है। अब मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, मैं घर पे फ्रेश जूस बना सकती हूँ वेजिटेबल का या फिर फ्रूट का। मुझे पर्सनली मिक्स वेजिटेबल जूस काफ़ी पसंद है, हेल्थ वाइज भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी फिलिंग होता है। ये देखिए, मैं वेस्टेज आपको दिखा दे रही हूँ, बहुत कम वेस्टेज है इसमें, मतलब आपको मैक्सिमम जूस मिलेगा। और जो वेस्टेज भी है मैं हाथ से आपको रब करके भी दिखा रही हूँ, काफ़ी ड्राई है, तो इसका मैक्सिमम जो
नमी मतलब लिक्विड वाला पोर्शन होता है ना, वो जूस में निकल चुका है, तो वो काफ़ी ड्राई है। तो इसका मतलब ये जूसर काम बहुत अच्छे से कर रहा है। थोड़ा काला नमक मिलाएंगे और ये हमारा घर पे मिक्स वेजिटेबल जूस बिल्कुल रेडी है। अगर जैसे मैंने वीडियो में आपको सब्जियों का बना के दिखाया, अगर सब्जी का बन सकता है तो फ्रूट का तो बहुत ही आसानी से बन सकता है। इसमें मेरे हिसाब से अगर आप इस फेस्टिव सीज़न कुछ नया ख़रीदना चाह रहे हैं अपने किचन के लिए और आप पैशनेट हो कुकिंग को लेके, तो आपको ये इक्विपमेंट तो ज़रूर होना चाहिए आपके किचन में। ये देखें जितनी सब्ज़ियाँ मैंने यूज़ की हैं उसमें एक ग्लास 346 ग्राम के जितना ये जूस निकला, साथ ही साथ एक ग्लास के जितना और निकला है, टोटल दो ग्लास निकले थे। तो करीबन एक किलो सब्जियों में हमें 700 से 800 ग्राम जूस मिल जाता है, तो 80% का रेशियो है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा जूसर है मेरे अकॉर्डिंग, आपको ज़रूर लेना चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हो। तो दोस्तों अगर आज का ये रिव्यू वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ रेसिपीज़ के लिए भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसी तरीके की कोई और किचन यूटेंसिल या फिर जैसे अवन वगैरह हो गया, उसका भी रिव्यू जानना है कि कौन सा अवन बेटर है, नहीं बेटर है, किस तरीके से वो काम करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं फर्दर उन पर भी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।